मिला है, हाँ, मेडिकल वेडिकल सब कुछ हुआ है ठीक से, एयरपोर्ट तक पूरा गाइड हुआ है। और आप लोगों का ये इमिग्रेशन का क्या एक्सपीरियंस है? इमिग्रेशन बोलो तो उधर हम लोग का इमिग्रेशन क्या ठीक है, क्या पूछा इमिग्रेशन में? हम लोग को इमिग्रेशन के पूछा आप लोग किधर जा रहा है, 3 महीना का वीजा लेके हम लोग किधर जा रहा है। हम लोग उधर जाके बोला मेरा दादा है उधर, दादा के पास जा रहा, फिर उधर में उसकी हंसी दिया मेरे के पास, मेरा साथ मजाक कर रहा है, सबको दादा होता है, सबको दादा होता है। हमने बोला नहीं सीरियसली दादा है, बोले ओके ओके। फिर बोल रहा है घूमने जा रहा है क्या, काम करने के लिए जाया, बोला नहीं सर घूमने जा रहा है। फिर रिटर्न टिकट मांगा, फिर रिटर्न टिकट भी हम लोग को दिया सर, वो टिकट दिखाया। फिर उसके बाद फिर वहाँ से प्लेन में उठ के फिर आ गया दुबई। इधर आके अच्छा गाइड हुआ, अच्छा सब कुछ बराबर। रात रात को भी फोन किया, फिर भी उठाया सर, कोई डिस्टर्ब नहीं बोला, ये डिस्टर्ब मत करो ऐसा नहीं बोला। फिर फोन उठाया, जितना बार फोन किया उतना बार फोन करके हम लोग के साथ बात किया। हम लोग इधर है, आप इधर बोलो, आपको लोकेशन भेज रहा सर हमको। फिर भी लोकेशन में भूल हो गया, फिर भी हम लोग को ढूंढ लिया सर, अच्छा लग रहा है साथ साथ मिलकर सर, थोड़ा अच्छा से गाइड किया हम लोगों ने। चलो आप लोग आए हो अपना करियर स्टार्टअप करने दुबई में, हाँ सैलरी बड़ी बात नहीं है, मिनिमम सैलरी काउंसिल आप लोगों को ऑपरेट करने बोला है कि मिनिमम इंडियन करेंसी में 30 के ऊपर सैलरी होना चाहिए, हाँ तो यहाँ पर वही कोशिश किया जाएगा कि आप लोगों को 30,000 के ऊपर सैलरी मिल जाए, रहना मिल जाए, खाना आप लोगों को खुद बनाना पड़ेगा। अगर कंपनी अगर खाना देता है तो आप लोगों का गुड लक है। लेकिन एक बात है, लेकिन हमारे उधर काउंसिल में एक बात बोला कि खाना अगर देता है तो हर जगह के ऊपर डिफरेंस होता है, हर कंपनी खाना नहीं देता है, कोई कोई कंपनी खाना देता है, कोई कोई। अगर आप लोग होटल में काम करोगे तो उसमें लॉजिंग फूडिंग फ्री होता है, खाना भी फ्री होता है, आपको अच्छे से पता है। हाँ, अगर आप लोग कोई ऑफिस में काम करोगे तो वो आपको सिर्फ क्या देगा, लॉजिंग देगा, ट्रांसपोर्टेशन देगा। लेकिन एक बात है, हम लोग का होटल में एक्सपीरियंस ज्यादा है, होटल में करना चाहिए। लेकिन वो एक्सपीरियंस आप लोग के इंडिया में, हाँ, इंडिया में आपका एक्सपीरियंस दुबई में चाहिए। यहाँ पर दुबई का अरबिक खाना बनाना, अरबिक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज कंफर्टेबल होना चाहिए, तब एक छोटा रेस्टोरेंट में भी आप लोग को अपॉर्चुनिटी देता है। हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट की मिलेगा तो अच्छा होगा। उम्मीद करेंगे तो आप लोगों को मिले, आप लोग लंबे समय तक काउंसिल के साथ जुड़े हो, ठीक है ना। चलो गुड डे।